हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है डिफेंस सेक्टर के लिए। अब बाहर से वेपन्स जो है इंपोर्ट नहीं होंगे, इंडियन कंपनीज उनको मैन्युफैक्चरिंग करके आर्म फोर्सेस को देंगी। ये बात आप सभी जानते हैं। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत डायनेमिक लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ म्यूनिटेंस मिसाइल सिस्टम्स। द कंपनी स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चर ऑफ एमुनिशंस, रिफाइल्स एंड पैनल्स। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर अदर मिसाइल्स एंड सिस्टम फॉर द इंडियन आर्म फोर्स। दीज इंक्लूड कंकोर एंटी टैंक मिसाइलें। तो आप जैसे कि आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपने देख लिया है कि कंपनी क्या क्या चीज़ें सप्लाई करती है आर्म फोर्सों को, तो इस सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए बात करते हैं कंपनी की कुछ पॉजिटिविटी की। तो देख पा रहे हैं कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 28.43%। तो प्लस पॉइंट है, डेट फ्री कंपनी है। अगर हम बात करें नेगेटिविटी की, नेगेटिव ब्रेकडाउन, फर्स्ट सपोर्ट इसने तोड़ा है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग घटाई है, डी ग्रोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इस क्वार्टर थ्री में ऐसा हुआ है, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। ये पिछले साल के कंपैरिजन इस साल का इन्होंने कंपैरिजन करके दिया है। अगर हम बात करें प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, प्रमोटर के पास 88% हिस्सेदारी है, FISDIS के पास तकरीबन 9% हिस्सेदारी है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6% हिस्सेदारी है। और कंपनी में अगर हम लोन की बात करें तो देख पा रहे हैं अब जीरो, बिल्कुल डेट फ्री रोल कंपनी है। और दूसरी सबसे बढ़िया बात है कि प्रमोटर के पास 88% हिस्सेदारी है। आप जानते हैं प्रमोटर कौन है, इसके गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इस कंपनी में है, तो इसलिए डिफेंस सेक्टर के लिए इसको चुना जा सकता है। मार्केट कैपिटलाइज 4153 करोड़ है, करंट प्राइस 266 रुपीज़ चल रहा है, 50 वीक हाई 365 है, लो 145 है, बुक वैल्यू 131 है, स्टॉक प्राइस अपॉन अर्निंग तकरीबन 12 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, डिविडेंड यील्ड 2.77% है, ROC 31% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस अपॉन अर्निंग की तो अच्छा खासा ज़्यादा है, इसको तकरीबन होना चाहिए था 7-8% पे। अगर 7-8% आए तो आपको ये 7 या 8 पे आए तो आपको ये स्टॉक लेना है। अगर हम बात करें स्टॉक की बैलेंस शीट की तो आप देख पा रहे हैं दिसंबर क्वार्टर थ्री में सेल्स हुई है 509 करोड़, एक्सपेंसेस 445 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 10% है। तकरीबन पिछले 3 क्वार्टरों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है और इस बार की श्योरिटी है अगर ये डिफेंस सेक्टर में और ज़्यादा तादाद में मटेरियल देने लग जाएगी या इक्विपमेंट देने लग जाएगी तो ये मंजर चेंज हो सकता है बहुत जल्द। और इस स्टॉक में आप ये उम्मीद ना करें कि 1 या 2 साल में कुछ चमत्कार होगा, चमत्कार तो इसमें 10-15 साल में ही होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लंबे होते हैं आर्म फोर्स के साथ साथ ये जो सप्लाई करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लंबे चलते हैं तभी इनको बेनिफिट होता है। अब हम बैलेंस शीट के दूसरे रुख की तरफ देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख पा रहे हैं क्वार्टर थ्री में 63 है, टैक्स परसेंट 15% है, नेट प्रॉफिट देख पा रहे हैं क्वार्टर थ्री में 53 है जो कि क्वार्टर टू में 106 था, क्वार्टर फर्स्ट में 66 था और क्वार्टर फोर में लास्ट ईयर 124 करोड़ था। EPS अर्निंग पर से 2.92%, अच्छी खासी गिरावट आई है EPS में जो कि क्वार्टर थ्री में 5.81 था और क्वार्टर वन में 3.58 था और इसी पिछले साल क्वार्टर फोर में 6.77 था। तो ये जो क्वार्टर है ये मंदी की गिरफ्त में है, आप सभी को पता है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अच्छी खासी कंपनियों के खराब ही आए हैं और जो इस साल के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आएंगे वो और ज़्यादा ख़राब आएंगे, क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी खराब आएंगे। तो ये प्रेशर है कंपनीज के ऊपर, तो इसमें आपको नीचे के भावों में शेयर को खरीदना है। तकरीबन 200 से नीचे के भाव मिलते ही आपको एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना है। अगर हम बात करें कंपाउंड शेयर ग्रोथ की, माइनस दिखा रहा है TTM में, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की वो भी माइनस है TTM में, यानी कि ये कंसीडर नहीं कर रही है कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में, इनके पास डाटा अपडेटेड नहीं है, पिछले 3 साल का डाटा इन्होंने अपडेट किया है -9 और अब तक का 39% है कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 साल का है -9 और आज तक का है 45%।
आइए बात करते हैं इसी के ही दूसरे पहलू की। तो जैसे कि स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, कोई इन्होंने अब तक का इसमें डाटा नहीं सबमिट किया है, तो इसलिए परसेंटेज जीरो दिखा रहा है। पिछले एक साल में -23% हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी, हाँ ये 3 साल का डाटा इन्होंने अपडेट किया है, 23.66% है, और पिछले साल की रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 20% है। तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रही है कंपनी, डाटा एक्यूमुलेट कर रही है धीरे धीरे। पहले तो नील दिखा रही थी, अब थोड़ा बहुत डाटा आना शुरू हो चुका है। तो बात करते हैं प्राइस चार्ट की स्टॉक के। देख पा रहे हैं 238 या 237 रुपये में काम करना है आपको। अभी बाइंग नहीं करनी है आपको, 200 से नीचे के लेवल में बाइंग करनी है। तो फ्रेंड्स आपको कंपनी के बारे में क्या विचार है, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो लाल बटन है इसको ठोके पीटें या कूटें, इसको दबाकर और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें चैनल।